दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो क्या हाल है जनाब? बढ़िया और सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों रेड लाइट एरिया ऑफ, देह व्यापार, ये सब कुछ ऐसा शब्द है जिन्हें सुनने के बाद आज भी सबके कान खड़े हो जाते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करने वाले भी लोग इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पाते। ये सैकड़ों सालों से दुनिया के हर कोने में चल रहा है और चलता रहेगा। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं भारत के 10 सबसे हाईटेक रेड लाइट एरिया, यानी कि जहां लड़कियां करती हैं देह व्यापार। नंबर एक, मुंबई का कमाठीपुरा। ये देश का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया, जिसकी शुरुआत सन 1795 हो गई थी। कहा जाता है कि जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय यहां गोरे मौज मस्ती करने आते थे, रात दिन यहां की लड़कियों के साथ मस्ती मारते थे। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कुछ महिलाओं ने यहां देह व्यापार का धंधा शुरू किया था, जिसके बाद से इन महिलाओं को अंग्रेजों का पूरा लाभ मिला और ये एरिया रेड लाइट क्षेत्र में बदल गया। आज हालात ये हैं कि यहां तकरीबन 2 लाख औरतें जिस्म का धंधा करती हैं, अपने जिस्म को पैसे लेकर किसी और को सौंप देती हैं और करने देती हैं जो उनके खरीदार का मन करता है। नंबर दो, कोलकाता के सोनागाछी। दोस्तों इसके बारे में किसे नहीं पता होगा, एक समय वेश्यावृत्ति में सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता था। अनुमान के मुताबिक यहां कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहां करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहां इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक स्लम में 18 साल से कम उम्र के करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक बाहर से जो कोलकाता आता है उसमें से 20% लोग सोनागाछी में रात गुजार में जरूर जाते हैं। नंबर तीन, दिल्ली के जीबी रोड, देश की राजधानी। दिल्ली और दिल्ली के बीचों बीच जीबी रोड, जिसे लोग लाहौरी गेट के नाम से जानते हैं, यहां में हजारों की संख्या में लड़की अपने जिस्म का सौदा करती है, अपने जिस्म को दूसरों के हवाले करती है। कई बार पुलिस का छापा पड़ा यहां पर, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, कहानी वैसे की वैसी है। जबकि यहां भी एक साथ 3 से 4 गलियां हैं जहां तकरीबन 15,000 की संख्या में लड़कियां रहती हैं। इनमें से कुछ नेपाली में है जीबी रोड में। अक्सर रात को महफिल सजती है जिसमें का भूख मिटाने वाले लोग यहां आकर रात भर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि आप मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5ों क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ रहा। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहां सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहां नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके कोठों पर लाया जाता है। यहां एक ही रूम में कई छोटे केबिन बने रहते हैं जहां ये लड़कियां जिस्म का आनंद अपने ग्राहकों को दे दी हैं। नंबर 4, वाराणसी काशी गुरदासपुर। दोस्तों वैसे तो यह शहर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन आज भी यहां कई सालों से चोरी छुपे चल रहा है महिलाओं के जिस्म का गंदा। सबसे पहले तो इस तरह का धंधा शहर के शिवदास पूरे एरिया में होता था, लेकिन आजकल वाराणसी के दालमंडी इलाके में भी यह काम फुल ऑन चालू है। यहां की लड़कियां अपने घर की शर्तों से यहां आने वाले लोग बुलाती हैं, इशारा करती हैं, अपने कपड़े उतार करके मन को उत्तेजित कर रहे हैं। साथ ही गुरदासपुर की लड़कियां यहां की तंग गलियों में घर के बाद भरी होकर अपने ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से देह दिखाती नजर आती हैं जैसे एक समय यहां चलने वाले कोठी में पारंपरिक रूप से चलन में था। नंबर 5, बिहार के मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज। दोस्तों बिहार का यह इलाका राज्य के बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। बताया जाता है कि उत्तरी बिहार का यह सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। शाम के वक्त यहां की लड़कियां सज समर के अपने कस्टमर को अपनी बाहों में भरने का काम करती हैं। अच्छा होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए कि आप इस देश के निवासी हैं। बताइए बताइए। नंबर 6, इलाहाबाद का मीरगंज। ये एक और शहर। यूपी का इलाहाबाद के मीरगंज में भी काफी सालों से जिस्म का धंधा उफान पर है, या न सिर्फ रातों का बल्कि दिन में भी। लड़कियों के लिए लड़कों के लाइन लगी रहती है।
शाम तक यहाँ लोग अपने जिस्म का प्यास बुझाने आ गई। लड़कियों के साथ हम बिस्तर होते हैं। नंबर 7, ग्वालियर का रेशम पूरा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का यह बड़ा शहर कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन न चाहते हुए भी आजकल लोग इस शहर को रेशम पूरा के लिए भी जानने लग गए हैं। नंबर 8, मुंबई। नागपुर का गंगा जमुना, महाराष्ट्र का बड़ा शहर। नागपुर और नागपुर के बीचों बीच गंगा जमुना। इस एरिया में भी तकरीबन 5000 औरतें का धंधा करती हैं, अपने कस्टमर को अपनी हाफ न्यू जश्न दिखाकर अपने पास बुलाती हैं। नंबर 9, पुणे का बुधवार पेठ। नाम सेवा गायक, यहाँ जिस्म का धंधा सिर्फ बुधवार को होता है। यहाँ भी हजारों की संख्या ने नेपाली लड़कियां करती हैं ये धंधा। नंबर 10, मेरठ का कबाड़ी बाजार। दो तो यूपी का एक और शहर जो कि दिल्ली के नजदीक है और यहाँ भी होता है रात दिन जिस्म का धंधा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कॉमेंट करके धन्यवाद।